हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को, मेरा प्यार भरा पहलग। तो आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो आज जैसे कि सभी जानते हैं, आज नवरात्रि का 8वां दिन है जिसमें माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो आज अष्टमी है और उसके अवसर में हम लोगों ने फास्ट वगैरह रखा हुआ है। इसी शुभ अवसर में अपना पहला ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। तो अभी हम लोग नहा चुके हैं, मम्मी भी मैं भी नहा चुकी हूँ। मम्मी सफाई कर रही हैं और मैंने सोचा मैं तब तक फूल वगैरह तोड़ के लाती हूँ। तो आज मौसम कुछ इस प्रकार का है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस प्रकार का मौसम आज, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। तो आपको मैं दिखाऊंगी, मम्मी सफाई कर रही है। तो अभी मैं इसके बाद आपको फूल वगैरह यहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है और वहाँ भी कुछ फूल लगे हुए हैं। तो आगे का मैं इसके बाद बताऊंगी आपको कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कौन से मंदिर में जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं फूल तोड़ के लाती हूँ। अभी मैं फूल तोड़ के आ चुकी हूँ, आप भी देखें। आगे देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम पूजा पाठ करेंगे पहले, फिर जाके उसके बाद आगे का मैं दिखाऊंगी। मम्मी कर रही है पूजा पाठ और मैं भी बैठूंगी, फिर भजन करेंगे और मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। तो कलश स्थापना तो आपने पहले दिन ही कर लिया होगा। कलश स्थापना जो होती है पहले दिन ही होती है। और ये जो मौली धागा होता है वो बांध लिया गया है और इस पे भी बांधा हुआ है, ये देखिए। और कलश पे भी बांधा जाता है। तो इसके बाद हम भजन करेंगे। पूजा पाठ हो चुकी है, अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो घर में जो भी पूजा पाठ होनी थी वो तो हो चुकी है। अब मैं हो जाऊंगी तैयार और मम्मी भी हो जाएंगी तैयार। तो हम आज साड़ी पहन के जाएंगे। तो अभी मैं आपको तैयार होने के बाद दिखाती हूँ इसके बाद का, ठीक है। निकल चुके हैं चार धाम मंदिर के लिए। तो ये और ये है अंकल जी। अभी हम लामाचौड़ पहुँच चुके हैं। यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे चार धाम मंदिर आता है। Thank you.
फिलहाल हम मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ, एंट्री पॉइंट है, वहाँ से हम अंदर जाएंगे। अंकल जी का करेंगे तो हम उतरते हैं। देखो अब तो की ये मेरी मम्मी है। मम्मी हाय करो, सामान ज्यादा है। आंटी हाय करो, हाय कर दो यार जरा सा। तो ये रहा दोस्तों चार धाम मंदिर, ये है एंट्री पॉइंट ये है, और आगे जाके मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे रामलीला ग्राउंड है, यहाँ पे नवरात्रि के पहले दिन से ही रामलीला वगैरह स्टार्ट हो जाती है और दशहरे के दिन समाप्त हो जाएंगी। तो और अब मैं आपको मंदिर में लेकर चलती हूँ, चलो। प्रवेश द्वार है और ये रहा मंदिर का प्रांगण। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मंदिर के दर्शन करवाती हूँ भगवान जी के। चार धाम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो उत्तराखंड में चार धाम स्थित हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री, तो सभी जो जितने भी भगवान हैं सबको यहाँ पे स्थापित किया गया है, तो इसीलिए इस मंदिर को चार धाम की मान्यता मिली हुई है। तो मैं आपको पूजा विधि दिखाऊंगी पूरी जो भी होती है, और मम्मी भी, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी पूजा विधि कैसे पूजा की जाती है। तो आप देखिए, बने रहिए मेरे साथ। तो यहीं पर हम चुनरी, नारियल और माता को जो श्रृंगार होता है उसको हम यहाँ पे चढ़ाएंगे और उस प्रकार से पूजा करेंगे जिस प्रकार से नवरात्रों में पूजा की जाती है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कि और क्या क्या होता है। तो इसी के साथ हमारी पूजा समाप्त होती है और आइए मैं आपको एक बार मंदिर का पूरा परिसर दिखा देती हूँ। और इस मंदिर की मान्यता 150 साल पहले से ही मानी जाती है। यहाँ पे लामा लोग होते थे, वो लोग यहाँ पे ठहरते थे, इसलिए इस मंदिर और इस स्थान का नाम लामा चौड़ पड़ा। तो आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है, आप दर्शन करने ज़रूर आइएगा। आपको जिस प्रकार चार धाम यात्रा करने से फल प्राप्त होते हैं, वो फल आपको यहाँ इस मंदिर के दर्शन करने के पश्चात भी प्राप्त हो सकते हैं। तो हम लोग अभी घर आ चुके हैं और जितना भी मुझे कवर करना था मैंने कर चुकी हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगा।